नमस्कार दोस्तों, फार्म फोकस यूट्यूब चैनल पर मैं गौरंगो और आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आ गया हूं मैं और एक नए इसी फार्म बन रहे हैं, मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये जो सेटअप है, ये पूरा सेटअप अभी इसी फार्म बनने जा रहा है। तो आज हम लोग आए हैं उनके पास और ये जानने के लिए कि ये इसी सेट बनाने में टोटल कितना कॉस्ट आ सकते हैं, इसी के ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है कि कॉस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि कितना खर्चा ये पूरा फार्म को बनाने में हुआ है। मतलब अभी तक हुआ नहीं, ये होगा, मतलब एक एस्टिमेट मान के चलिए कि एक एस्टिमेट ये प्राइस पड़ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले फार्म का लंबाई और चौड़ाई के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। ये लंबाई जो है 120 फीट है, 120 फीट है, और चौड़ाई जो है 40 फीट है, 40 फीट चौड़ाई है। ये टोटल कुल मिला के अगर स्क्वायर फीट की बात करें तो 4800 स्क्वायर फीट होता है इसमें, और इसमें जो है बार्ड्स आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5200 तक बार्ड्स इसमें आ सकते हैं। तो अभी तक कितना काम हो चुका है वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी तक देख पा रहे कि ऊपर का जो है एडवेस्टर टीन है वो दिया हुआ कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा उस जगह बाकी है। और यहाँ का कंस्ट्रक्शन का अगर काम के बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है जो कि पॉलिस्टर का काम बाहर का वो थोड़ा सा बाकी है, अंदर का भी थोड़ा सा बाकी है। अब इसके खर्चा अभी तक कितना खर्चा हो चुका है वो थोड़ा सा बात करें। खर्चा जो है इनका मेन खर्चा है आया है उनका ये कंस्ट्रक्शन का काम में, बाहर का जो कंस्ट्रक्शन है, ये पिलर देख पा रहे हैं 10-10 फीट के अंतर जो है पिलर यहाँ पर दिया हुआ है, और ऊपर एडवेस्टर टीन का खर्चा हुआ है, और अंदर जो है जो पाइप है गैनोलाइन पाइप और आपका लोहे का एंगल जो भी है उसका खर्चा ये इसमें मेन है। तो चलिए एक एक करके खर्चे के बारे में बात कर लेते हैं। पहले जो है बाहर का कंस्ट्रक्शन का खर्चा बात कर लें, बाहर का कंस्ट्रक्शन का खर्चा के बारे में बात करें, ये पूरा जो है एकदम हेवी तरीके से बनाया है, एकदम हेवी पिलर जो है पूरा हेवी करके बनाया है, जो देख पाए टाइमिंग भी दिया हुआ है। तो ये पूरा जो है खर्चा उनका कंस्ट्रक्शन का 3 लाख लगभग लगा है। तो अगर मैं जो हिसाब आप लोगों को दे रहा हूँ ये मतलब फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि 10,000 15-20,000 ऊपर और नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए अंदर जाकर बात करते हैं। ये जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर लगभग 1.5 से 2 फीट तक ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें अंदर आके जो देखने को मिल रहा है वो है ऊपर का ये एंगल, जो लोहे का एंगल से बना हुआ है, इसका बारे में बात करते हैं। ये जो टोटल लोहे का एंगल है जो नीचे देख पा रहे हैं, नीचे रखा हुआ है, इसको मैं दिखा देता हूँ हम लोगों को। ये देखिए ये लोहे का एंगल जो है ये टोटल कुल मिला के उनको उनको लगा है 3 टन, और उनको एक एक टन का खर्चा हुआ है 62,000 खर्चा हुआ है एक एक टन का। तो मान लीजिए कि यहाँ पर भी लगभग 2 लाख के आसपास खर्चा इनका लोहे का हुआ है, ठीक है। अब ऊपर का एडवेस्टर टीम जो है, एडवेस्टर टीम का खर्चा मान लीजिए कि 1 लाख और जो नाट बोल्ट सब कुछ मिला के 1,30,000 के आसपास खर्चा हुआ है इनका, ठीक है। ये फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये फिक्स्ड नहीं है, इनको अभी भी पूरा हिसाब नहीं किया है उन्होंने, थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को एक दिया है कि इतना खर्चा हुआ है। तो जब कंप्लीट हो जाएगा उस समय जाके उन्होंने ये कुल मिला के कितना खर्चा हुआ वो हिसाब करेंगे, तो तब जाके मैं एक अच्छे से मतलब पूरा क्लियर एक फिक्स्ड कितना खर्चा आया है उसका वीडियो में जब रेडी हो जाएगा तब मैं इसको बनाऊँगा। तो ये मेरा घर के नज़दीक है फार्म, तो कुछ मतलब दिक्कत नहीं है, कभी भी आके वीडियो बना सकता हूँ। तो इसका एड्रेस मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ये एड्रेस है हमारे मालदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट, और ये मालदा डिस्ट्रिक्ट गांव ये जो पड़ता है ये है, गांव का नाम है बलरामपुर। तो ये है इनका एड्रेस, और इस एड्रेस में अभी बन रहे हैं, तो जब रेडी हो जाएगा तब मैं आके एक पूरा फिक्स्ड कितना खर्चा है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए आप जान लीजिए, मैं आप लोगों को एक एस्टिमेट मतलब दे देता हूँ कि कितना खर्चा होगा अगर आप लोग बनाना चाहें तो। तो अब ऊपर का जो है 1,30,000 के आसपास जो है एडवेस्टर टीम का खर्चा हुआ है। अब और क्या खर्चा है, और खर्चा है इसका मेन है आपका नीचे का जो है
आपका ढलाई, नीचे ढलाई करना एक बड़ा खर्चा आ सकते हैं, लगभग कि मान लीजिए 70 से 80 हज़ार रुपये नीचे का ढलाई करने में खर्चा आएगा, लेवल करने में। और आपका मेन खर्चा है जो यहाँ पर अंदर का एग्जॉस्ट का खर्चा। तो अभी तक जितना खर्चा हुआ है वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आप लोगों को, लगभग 6.5 से 7 लाख रुपये के आसपास ये खर्चा इनका हुआ है ये स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब बात करते हैं कि कूलिंग सिस्टम, जो कूलिंग सिस्टम है वो कितना खर्चा आ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो एग्जॉस्ट फैन है, ये एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 का सिस्टम उन्होंने बनाया है। किसी से उन्होंने पूछ के बनाया था कि किसी ने उनको बताया था कि 3 एग्जॉस्ट फैन से कंप्लीट मतलब कवर हो जाएगा, लेकिन कोई कोई ऐसा कंपनी भी है, मतलब ज़्यादातर कंपनी क्या बोलते हैं कि इसमें आपको 4 एग्जॉस्ट फैन का ज़रूरत पड़ेगा। तो मेरा भी कहना है दोस्तों कि 4 एग्जॉस्ट फैन से ये सही रहेगा। तो इन्होंने अभी 3 दिए हैं और साइड में जो है वहाँ पर जगह है उसमें उन्होंने और एक एग्जॉस्ट फैन का सेटअप बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 एग्जॉस्ट फैन लगेगा, जो कि मान लीजिए कि अगर बात करता हूँ प्राइस का, तो एक एक फैन का मान लीजिए कि 30 से 35 हज़ार रुपये का एक एक फैन आएगा। तो वहाँ पर एक बड़ा खर्चा है। और इस साइड में लगेगा उनका कूलिंग पैड, इस साइड में कूलिंग पैड का खर्चा अगर बात करते हैं तो कूलिंग पैड ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 हज़ार रुपये तक रुपये के अंदर हो जाएगा ये कूलिंग पैड। ये दोनों खर्चा है। और एक खर्चा है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल आप कितना लगाते हैं, कितना पॉइंट का कंट्रोल पैनल लगाते हैं उसके ऊपर ये वेरी करेगा खर्चा का। और एक खर्चा है जो निपल ड्रिंकर सिस्टम, ड्रिंकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि निपल ड्रिंकर सिस्टम बहुत तरीके का है मार्केट में। तो इन्होंने जो यहाँ पर लाइन देंगे, यहाँ पर 5 लाइन होगा, ठीक है, 5 लाइन निपल ड्रिंकर का मतलब लाइन होगा। और इनका अगर टोटल खर्चा के बारे में बात कर लेते हैं तो लगभग कि ये मान लीजिए 1.5 लाख के आसपास खर्चा पड़ेगा वो निबल ड्रिंकर सिस्टम। और जो ऑटो सिस्टम है फीडर, ऑटो सिस्टम फीडर का अगर बात करें तो ऑटो सिस्टम फीडर तो इन्होंने नहीं लगाएंगे, लेकिन उनका खर्चा लगभग मान लीजिए कि 2.5 से 3 लाख रुपये तक आपको आ सकते हैं। और अब खर्चा के बारे में बात करते हैं, क्या आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी, जो जनरेटर सिस्टम है वही है आपका मेन खर्चा। जो अगर मान लीजिए कोई डीजी सेट अगर लेना चाहते हैं 10 किलोवाट का, 10 किलोवाट का अगर डीजी सेट लेना चाहते हैं, उसका खर्चा लगभग मान लीजिए कि 4 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कुल मिला के खर्चा। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मान लीजिए 5000-6000 इस तरीके का कैपेसिटी का अगर फार्म इसी आप लोग बनाना चाहते हैं इस तरीके का, मतलब इतना हेवी करके, तो जाके आपका खर्चा आएगा टोटल आ सकते हैं मान लीजिए कि 12 से 15 लाख के, सॉरी 15 लाख तो ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, आपका 12 से 14 लाख के बीच में ही आपका कवर हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी से अगर आप लोग डायरेक्ट टाइप कर लेते हैं, जैसे कि कोई कोई कंपनी ऐसा भी कहते हैं कि आप 400 रुपया स्क्वायर फीट दे दीजिए, कोई कहता कि 500 रुपया स्क्वायर फीट दे दीजिए, हम लोग पूरा A to Z काम करके देंगे, मतलब 0 से लेके एकदम कंप्लीट तक सब कुछ काम करके देंगे, ऐसा भी कोई कोई कंपनी कहता है। तो जाके मान लीजिए कि आपका 15 लाख से ऊपर ही आ जाएगा, मतलब 15 लाख से ऊपर ही खर्चा हो जाएगा, 15 से मान लीजिए 20 लाख तक जा सकते हैं खर्चा। तो अगर आप लोग इस तरीके का सेटअप बनाना चाहते हैं और कूलिंग, अगर कोई भी कंपनी से आप लोग वो जो कूलिंग सिस्टम का है वो इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ज़रूर 2 से 4 कंपनी तो ज़रूर देखिए। एक एक कंपनी का एक एक प्राइस है, ठीक है, एक ही तरीके का माल एक एक कंपनी में एक एक प्राइस है। तो एक नाम जाना कंपनी है, जो कि कंपनी का नाम मैं नहीं बोलूँगा, उनका एग्जॉस्ट फैन का प्राइस है 52,000 रुपये, 52,000 रुपये, और उनका 1 साल का वारंटी है, ठीक है। और कोई कोई कंपनी ऐसा भी है जो कि 25 से 30 हज़ार रुपये में एक एग्जॉस्ट फैन दे देता है, वो भी 1 साल का वारंटी। तो आप किस में जाएंगे, कम वाला कि ज़्यादा वाला? अगर मान के चलिए कि आप कम ले लेते हैं,
तो उसमें आपका जो है सर्विस ठीक नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उनका जो है जल्दी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन और भी है कि हवा ठीक से नहीं खींच पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा कम ले लीजिएगा तो, अगर मान के चलिए ज़्यादा पैसा दे के ले लीजिए, जी मान लीजिए कि 52,000 रुपया आप एक एक फ़ैन का लिए, तो उसमें क्या है कि सर्विस तो अच्छा दे रहा है लेकिन आपको क्या है पैसा लग गया है आपका डबल जैसे। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, ना जाइएगा उतना कम और ना जाइएगा उतना ज़्यादा, आप मिडिल में ले सकते हैं। लेकिन हर एक कंपनी जो है वो 1 साल का वारंटी देते हैं, तो 1 साल का वारंटी लेके उतना ज़्यादा पैसा खर्चा करके लेके क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर लेना चाहते हैं तो 2-4-5 कंपनी जो है मार्केट में, सबसे जानकारी लेके कौन कितना में दे रहे हैं, सबसे इस्टीमेट लेके जरूर कंपेयर कीजिए कि किस में अच्छा लेने मेरा लेने में अच्छा होगा। तो आज का इस वीडियो में इतना ही बताने का कोशिश किया कि एक फार्म, इसी फार्म लगभग 6,000 के आसपास बनाने में कितना खर्चा आ सकते हैं उसके ऊपर बात किया है। तो वीडियो को अच्छा लगते हैं तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले और नए एक वीडियो के साथ।